6 साल हो गए, झारखंड के युवाओं को रोजगार मिल गया? मिला आपको? यहां कोई है जिसको नरेंद्र मोदी ने या आपके चीफ मिनिस्टर ने रोजगार दिया हो? आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और नोटबंदी कर डाली, याद है आपको या भूल गए? भूल गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब नोटबंदी हुई, माताएं बहनें आप बैंक के सामने खड़ी थी, आप गई थी ना, उस लाइन में आपने एक उद्योगपति को देखा? एक खड़ा था चोर, ईमानदार किसान, हमारी माताएं बहनें, बेरोजगार युवाओं को नरेंद्र मोदी ने बैंक के सामने खड़ा कर उनकी जेब से पैसा निकाला। जो माताओं ने, बहनों ने पैसा बचा कर रखा था, वो नरेंद्र मोदी ने आपसे छीन कर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दिया। लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया इन्होंने, 3,50,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ नहीं कर सकते। नोटबंदी की और जो छोटे बिजनेस चलाते थे, मिडिल साइज बिजनेस चलाते थे, छोटे जो किसान थे, उन सबको बर्बाद कर दिया। वहां नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी लाए, गब्बर सिंह टैक्स। आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, उससे पूछिए गब्बर सिंह जीएसटी से आपका फायदा हुआ या नुकसान? आपको हिंदुस्तान के सब दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले एक आवाज से कहेंगे हमारा नुकसान हुआ है। किसान कहेगा हमारा नुकसान हुआ है। तो भाइयों और बहनों, आप अपने आप से पूछिए, नोटबंदी का फायदा, जीएसटी का फायदा किसको हुआ? हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों को हुआ है। ये नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, उनको आप जब टेलीविजन पर देखते हो, याद रखो कि टेलीविजन का पैसा, मार्केटिंग का पैसा ये 15-20 लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए करते हैं। लक्ष्य की है झारखंड के गरीब लोगों से, झारखंड के किसानों से, युवाओं से उनका पैसा छीनकर इन 15-20 लोगों को दो, झारखंड के आदिवासियों से जमीन छीनकर इन 15-20 लोगों को दो, बिजली आपसे छीनकर उनको दो, पानी आपसे छीनकर उनको दो। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। झारखंड में सरकार बनेगी तो गरीबों की, किसानों की, आदिवासियों की सरकार बनेगी, आप सबकी सरकार बनेगी, और आपकी आवाज विधानसभा के अंदर गूंजेगी। और मैं आपको यहां गारंटी करके देता हूं, कहता हूं कि आपकी रक्षा होगी। जहां भी बीजेपी की सरकार बनती है, लोगों को वो कुचलते हैं, कभी धर्म के कारण, कभी विचारधारा के कारण, संस्कृति के कारण लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, तो ये जो आप पे दबाव डाला जाता है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। सीएनटी एसपीटी एक्ट जो है, जिसको बीजेपी बदलना चाहती है, मैं आपको स्टेज से कहता हूं कि इस एक्ट को हम नहीं बदलवाने देंगे।
सवाल नहीं उठता है। और आपको पता होना चाहिए कि झारखंड का धन जो है, जल जंगल जमीन, वो गरीब जनता का है, आदिवासियों का है, कमजोर लोगों का है। और जैसे जब हमारी सरकार थी, हम मनरेगा लाए, भोजन का अधिकार लाए, सूचना का अधिकार लाए, गरीबों को शक्ति देने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, वैसे ही मैं एक बार फिर झारखंड में आपके लिए कानून बनाएंगे, आपका जो धन है एक बार फिर आपके हवाले करेंगे, और आपकी जो जमीन है, आपका जल है, आपका जंगल है, उसकी हम आपके लिए रक्षा करके आपके हवाले करेंगे। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, उन्होंने आपसे पैसा छीना, नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स में आपसे पैसा छीना, और विजय माल्या, अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी जैसे चोरों के जेब में डाला, उनका टैक्स माफ किया, उनका टैक्स माफ किया, मगर उससे भाइयों और बहनों रोजगार नहीं पैदा होने वाला। जितना भी पैसा ये अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोगों को देंगे, उतना ही पैसा ये लोग उठा के ले जाएंगे। जब तक सरकार गरीब लोगों की रक्षा नहीं करेगी, किसानों को सही एमएसपी नहीं देगी, गरीबों को मनरेगा नहीं देगी, तब तक हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं होने वाला है। सीधी सी बात। और यह सीधी सी बात जो इस भीड़ में हर व्यक्ति समझ गया, इस बात को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं समझ पा रहा है। दिन भर वो अपने 15-20 मित्रों को पैसा देते रहते हैं, लाखों करोड़ रुपए अंबानी अदानी जी को दिया। यह मोदी की सरकार नहीं है, यह अंबानी अदानी की सरकार है। और इस सरकार का लक्ष्य, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, इस सरकार का लक्ष्य आपके धन को लेकर अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने का है। दिन भर टीवी पे आएंगे, रोजगार की बात होगी, आदिवासियों की बात होगी, गरीबों की बात होगी, किसानों की बात होगी, मगर आपको एक रुपया नहीं मिलेगा। पहले आपको 35 किलो अनाज मिलता था, आप मुझे बताइए आज आपको कितना मिलता है? कितना मिलता है? 5 किलो। पहले 35 किलो, आज 5 किलो। वो जो 30 किलो का पैसा है ना, वो सीधा का सीधा उन्हीं 15-20 लोगों के जेब में गया है। जो आपका मनरेगा बंद किया, वो मनरेगा का पैसा सीधा का सीधा उन्हीं 20-25 लोगों के जेब में गया है। भोजन का अधिकार, मनरेगा, जो भी हमने आपके लिए किया था, उसका पैसा सीधा का सीधा उनके 15-20 लोगों के जेब में गया है। और यह बदलाव हम यहां लाना चाहते हैं। दिल्ली में सरकार नहीं बनी, ठीक है, अगली बार बन जाएगी, मगर अब झारखंड में गठबंधन की सरकार बनानी ही पड़ेगी। अगर आप अपनी जमीन, अपना जल, अपना जंगल, अगर आप इन चीजों की रक्षा करना चाहते हो, तो आपको कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को समर्थन देना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को जिताना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। मैं आपको सीधा कह रहा हूं।
और ये देश जो है किसी एक विचारधारा का देश नहीं है, अलग अलग इसमें विचारधाराएं हैं, अलग धर्म है, अलग जात है, अलग सोच है। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सबको लेकर चलती है, प्यार से देश को आगे ले जाती है। हम धर्म के कारण, संस्कृति के कारण, जात के कारण किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं, हम हिंसा का प्रयोग नहीं करते हैं, हम प्यार से काम करते हैं। और यही हिंदुस्तान की शक्ति है। यह देश तभी आगे जाएगा जब हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ का आपके सामने उदाहरण है, कर्जा माफी, सही एमएसपी, जमीन की रक्षा, आदिवासी बिल, और आप ये सोच के चलिए कि जो कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया वही कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार झारखंड में करने जा रही है। मैं आप सबसे एक बार फिर दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप दूर दूर से आए और इतनी प्यार से आपने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।